जिले के सब्जी मंडी इलाके में भारी बारिश के कारण दुकान की छत गिर गई। रात और बचाव का काम है जारी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक मां और बेटे गहरे नाले में डूबने से मौत। प्रशासन का तलाशी अभियान जारी। आप विधायक कुलदीप कुमार ने खोड़ा में मां बेटे के नाले में डूबने के मामले में डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगाया। एलजी से डीडीए के लापरवाह अफसरों को कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली की मेयर शीला ओबेरॉय ने एमसीडी के अफसरों को 24/7 काम करने का निर्देश दिया है। जल्द से जल्द जलभराव की समस्या खत्म करने का निर्देश दिया। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से गुरुवार को सभी निजी सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली के दरियागंज में स्कूल की दीवार गिरी, कई गाड़ियां दबी। दिल्ली एनसीआर में बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव और ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। दिल्ली के सराय काले खां में भी बारिश की वजह से जलभराव, पानी में जलमग्न हो गई सड़कें। पूर्वी दिल्ली इलाके में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी दिल्ली में 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। नोएडा में 139.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से जलभराव और जाम की समस्या पेश आई। जलभराव की समस्या से लोगों को हुई परेशानी। केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी तबाही, कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटना सामने आई। 200 यात्रियों को सेफ जोन में रखा गया। केदारनाथ के पास भीमबली में तेज बारिश की वजह से 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता बह गया। गौरीकुंड में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण करण मंदिर खाली कराया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सोनप्रयाग में एसडीआरएफ एनडीआरएफ का अलर्ट, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने की खबर, 2 लोगों की मौत, 1 के घायल होने की खबर। एसडीआरएफ पुलिस और आपदा राहत की टीम मौके के लिए रवाना। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 36 घंटे भारी बारिश की संभावना। शिमला, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू में भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के राजेंद्र नगर में फिर से उसी दिन की तरह भरा पानी, घुटने घुटने तक पानी भर गया। छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन, राजेंद्र नगर पूरी तरह जलमग्न। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दोबारा पानी भर गया। आप विधायक दुर्गेश पाठक मौके पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। दिल्ली में छात्रों की मौत के मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, पुलिस गिरफ्त में है 7 आरोपी। दिल्ली की घटना के बाद उत्तराखंड में अब कोचिंग सेंटर की जांच होगी, सरकार ने जारी किया आदेश। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में 173 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। आज राहुल गांधी वायनाड के लिए रवाना होंगे, प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। वायनाड पर राज्यसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, केरल को 23 जुलाई को ही दी गई थी जानकारी। वायनाड में आए प्राकृतिक आपदा के शिकार वैशाली के पति पत्नी भी हुए, पत्नी का शव बरामद हो गया है लेकिन पति की हालत गंभीर है। पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का कैंसर से निधन, भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे दोनों खेल चुके अंशुमन गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया, संपूर्ण क्रिकेट जगत के लिए हृदय विदारक घटना बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अंशुमन गायकवाड़ के क्रिकेट में योगदान को याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में जेसीबी से छात्राओं को पारग्रस्त नाला पार कराया गया, दूसरे किनारे में फंसी थी स्कूल की छात्राएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 84 गांव के रहने वाले ओम प्रकाश नाम के शख्स के साथ दबंगों ने मारपीट की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगी सुनवाई। असम से सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने रोहिंग्या को बताया देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, केंद्र सरकार से समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की मांग की। अहमदाबाद में बुर्का पहनकर आए अभिभावक को स्कूल में प्रवेश न देने पर विवाद, गुस्साए छात्रों ने अभिभावकों ने हंगामा किया। दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज में महिला की गोली मारकर हत्या, गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोड रेज की घटना। आगामी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को चुनौती का, अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या प्रयागराज में गाड़ी पलटने से कई कांवड़िए जख्मी, एक की हालत गंभीर। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर चकमदा गांव में हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांवड़ खंडित होने पर मचा बवाल, कांवड़ियों में युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी को मारने की कोशिश की, पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की लगाई गुहार। बिहार के मुजफ्फरपुर से अगवा प्रॉपर्टी डीलर का दरभंगा में मिला शव, कई जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, हिरासत में 2 लोग।
मुंबई से सटे बैंदर में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई में सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार रहे मौजूद। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर WMCC की दिल्ली में हुई बैठक, LAC से जुड़ी समस्या के जल्द समाधान पर भारत और चीन की सहमति। पंजाब की तरन तारण सीमा से BSF और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हेरोइन के साथ एक ड्रोन को पकड़ा, संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अब कोचिंग सेंटर की जांच होगी, सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के कटिहार में मछली लदी पिकअप वैन पलट गई, लोगों ने सड़क पर की जमकर मछली की लूट। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद इसराइल ने गाजा में हानिया के घर पर की है बमबारी। ईरान के तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर हमला करवाने का आरोप। हमास चीफ हानिया की मौत पर पाकिस्तान के रावलपिंडी में की गई प्रार्थना सभा, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग।